हेलो एवरीवन, आज हम एक नई मूवी का रिव्यू करेंगे और इसको मैं रिकमेंडेशन कैटेगरी में डालता हूँ। मूवी का नाम है बैटल ऑफ इंशियन, ऑपरेशन क्रोमाइट। सो मैंने गूगल किया, कहीं इसका नाम पूरा लिखा है, कहीं इसका पार्ट वाइज नाम है। इस मूवी की खास बात यह है कि ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर एरा का है और ये कोरियन पेनिनसुला में जो लड़ाई हुई है नॉर्थ वर्सेस साउथ, उसके ऊपर बेस्ड है स्टोरी। इस मूवी को मैं पर्सनली बहुत पसंद किया और उसको रिकमेंड करने का रीज़न है इसके जो स्टार कास्ट है, लियाम नीसन। लियाम नीसन का यह है कि वो हमेशा सिमिलर सा रोल करते हैं और जिसमें वो उनका फेमस थ्रेटनिंग डायलॉग होता है। जो लोग लियाम नीसन को नहीं जानते हैं, मैं बता दूँ, ये टेकन मूवी के हीरो हैं। इनकी 10-12 मूवी सेम ही स्टोरी पे है और सबसे बेस्ट बात यह है कि एक मूवी आप बोर नहीं होगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार एक्टर को नया रोल करना होता है, ये उस फिलॉसफी में मेरे ख्याल से बिलीव नहीं करते। कमिंग बैक टू ऑपरेशन क्रोमाइट, बैटल ऑफ इंशियन, इस मूवी में ये बहुत साइड रोल में है, मेन रोल शायद ली नहीं किया है और बहुत कम देर के लाते हैं। और टिपिकल जो एक इमेज है US सोल्जर की या बाकी जो भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं मिलिट्री के, वो इन्होंने काफ़ी डिफरेंट तरीके से किया है। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत कॉमन है, कोई बहुत ही हाई फाई टाइप नहीं है। इवन जो 1950s का या 60s का जो ड्रेसिंग सेंस था कि बेल्ट ऑलमोस्ट नेवल एरिया तक आती थी, वो सब दिखाया है। और उसके बाद भी बहुत कम डायलॉग के साथ, जब तक तो बंदा बोलता नहीं है, बहुत ही मतलब सबमिटिव टिमिड टाइप का बंदा लगता है, लेकिन जब बंदा बोलता है तो जो कैरेक्टर ये पोर्ट्रे कर रहा है वो बिल्कुल वो कैरेक्टर दिखता है। कैरेक्टर भी बहुत पावरफुल है, US के एक बहुत वॉर हीरो रहे हैं, उनका नाम था जनरल मैकार्थर। आई गेस वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे या उसके लिए इलेक्शन में लड़े थे या प्रेसिडेंट के लिए, मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, तो उस बंदे का रोल किया। और दो डायलॉग इस मूवी में जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, एक वो शायद ली को बोलते हैं, ये ओपन द गेट्स फॉर मी सन, ये मुझे बहुत सही डायलॉग लगा। और सेकेंड ये है, आई एम जनरल मैकार्थर, आई विन वॉर। ये दोनों में जो डायलॉग डिलीवरी है काफ़ी मेरे को रोंगटे खड़े टाइप लगा। ये स्टोरी बहुत सही है, कोल्ड वॉर की है, जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को डोमिनेट कर दिया था और तब US वाले बंदे जाते हैं नॉर्थ कोरिया को पुश बैक करने के लिए। और आई होप समडे, वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ समडे इसका एक सेकेंड पार्ट बने इस मूवी का। इसकी आगे की स्टोरी ये है कि मैकार्थर को थोड़ा अपने ह्यूब्रिस में चला जाता है कि मैं वॉर तो जीत ही सकता हूँ, तो वो जो जनरल जो सेंट्रल कमांड से ऑर्डर होता है उसको छोड़ के वो नॉर्थ कोरियन को इन्वेड कर देता है। पहले इनका इस मूवी में प्लान था साउथ कोरिया को वापस रिकवर करना है, वो ये सब क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया को रिकवर कर देता है और उसके बाद चाइना प्ले में आता है जो नॉर्थ कोरिया के साइड से लड़ता है और फिर अमेरिकन्स को पुश करता है। ये जो थ्योरी है कि चाइना वर्सेस US कभी वॉर नहीं हुआ, इसमें इसके सेकंड पार्ट में हुआ था, मूवी वहाँ तक नहीं गई है। आई विश समडे इसका सेकंड पार्ट बने विद सेम स्टार कास्ट, वो एक अच्छा होगा। दूसरे साइड की इसमें नॉर्थ कोरियन को दिखाया है, नॉर्थ कोरियन मिलिट्री कल्चर को दिखाया है, तो इसमें किंग जोंग यून का ही इमेजेस है। हर मिलिट्री कमांडर या एरिया कमांडर या हेडक्वार्टर कमांडर जो भी है, उन सबको हमेशा किंग जोंग यून ही दिखा देते हैं। ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है, बट हाँ इस मूवी में बहुत अच्छा लगा है। एंटागनिस्ट है, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, उसने भी अच्छा प्ले किया है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये मूवी ज़रूर देखो और ये वर्थ इट है। मतलब अगर आपको वॉर मूवी नहीं भी पसंद है तो भी इस मूवी को आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें इमोशनल कॉम्पोनेंट भी है, फैमिली कॉम्पोनेंट भी है। और जब लियाम नीसन स्क्रीन पे आते हैं तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। I would recommend this movie. Thank you.